दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चांदड़ा का गांव पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, आलम उर्फ मुंडल भाजपा नेता का ये गांव है जो चांदड़ा का, उसमें आज जेजेपी के जो है वरिष्ठ नेता मैं कहूंगा और पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आज़ाद मोहम्मद लोगों से मिलने पहुँचे हैं। कुछ लोग भी बताएंगे आखिरकार जो है जजपा पार्टी द्वारा सरकार की नीतियों को अवगत कराने के साथ साथ में कुछ चुनावी मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग चांदड़ा का के हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार जो है आज डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद जी यहाँ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हो और क्या आपकी चर्चा हो रही है? ऐसे आज़ाद मोहम्मद मंत्री के हम साथ हैं और हमने बीजेपी छोड़ दी, जेजेपी का पक्का कैंडिडेट के साथ हैं, वोटर हम ना, हम कार्यकर्ता पूरा पूरी जान सु माल सु सब तरह तैयार हूँ। आखिर क्या नाम बता गई जो बीजेपी छोड़ दी? भाई बीजेपी को ही एक प्रमुख यू आलम मुंडल बना दियो, चौकी लाधरी हमारी टेंट पे, हम तंगागा पूरा जो 76-54 अपहरण मेरे खुद लड़का के साथ सियाई में 50,000 रुपये दे के उठवा के जब मरवाओ नाजायज मांडी खेड़ा हॉस्पिटल से उठायो पकड़ो दिखायो जो रेहड़ा मोड़ सू, तो इन बातों से तंग आके हमने अब जेजेपी ज्वाइन कर ली, तंग आके इत करी हमने और जी जान से वोट दे रहा मंत्री के साथ हम बच पूरा गांव एक तरफ हो पड़ो। मैं आपको बता दूं कि आज हरियाणा सरकार जेजेपी जो है एक उभरती हुई पार्टी के रूप में देखने को मिल रही है, जहां पूर्व डिप्टी का आज़ाद मोहम्मद द्वारा बड़कली चौक पर मेवाड़ की राजधानी पर बहुत बड़ी भारी संख्या में एक रैली की थी, उसी की बदौलत आज लोग जो है जुड़ते ही जा रहे हैं। चांदड़ा का गाँव से लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारे चांदड़ा का निवासी हैं और ख़ास तौर से मैं बता दूँ भाजपा नेता आलम उर्फ मुंडल का एक पर्यटक गाँव है और यहाँ से जो है मंत्री जी ने ये शुरुआत, जबकि जनसंपर्क अभियान अलग अलग गाँव में फिरोजपुर जिरका विधानसभा की में चलता रहे, एक ने बताया कि इस तरीके से उनकी कूटनीतियों से तंग आकर जो है हमने भाजपा का दामन छोड़ा है और जेजेपी को ज्वाइन किया है। कुछ चांदड़ा का के और भी लोग हमारे साथ हैं, ये बताएंगे जी क्या नाम? तो बशीर जी, आज जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद जी आपके बीच आए हैं, यानी कि पार्टी भाजपा, पहले आपने भाजपा का दामन थामा था, भाजपा पार्टी छोड़ दी क्या? मैंने तो कभी भी नहीं थापा भाजपा का दामन। तो अच्छा, हाँ हम तो पहले से ही आज़ाद मोहम्मद डिप्टी स्पीकर के साथ थे। पहले से ही नहीं, आपके गांव का है भाजपा नेता आलम उर्फ मुंडल, बेशक भाई है हमारा, लेकिन जब भी ना हूँ मैं उसका बिल्कुल ना हूँ उसके गलत में, पहले से आज़ाद मोहम्मद के साथ पहले से। नीचे से बताया जा रहा है कि उसकी कूटनीतियों से गांव वाले जहां परेशान हैं। कूटनीति सही बताई गई है, ये जो भी उसने ये नुकसान नफा नुकसान करा हाँ उससे लोग परेशान तंग आके नहीं हट चुके हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि पूर्ण तरीके से भाजपा नेता का मैं आतंक कहूं या कूटनीति कहूं, उनकी कूटनीतियों से तंग आकर जहां चांदड़ा का सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है और ऐसे में वरिष्ठ जो है जेजेपी नेता आज़ाद मोहम्मद के नेतृत्व में जेजेपी पार्टी ज्वाइन की है। क्या नाम है आपका? मजीद मेरा नाम। तो मजीद, हम तो आज़ाद मोहम्मद के साथ है भाई, सदम या बुजुर्गन सु आज सुई ना हम तो और थी हाँ आजाद मोहम्मद। जैसे बताया जा रहा है कि कोई भाजपा नेता है आलम उर्फ मुंडल आपके? ना ना, मुंडल पुंडम पालम हम जाना ही ना कौन रहे, हम तो मंत्री के साथ हैं भाई आजाद मोहम्मद के साथ। आजाद मोहम्मद जी, आप लोगों के बीच में आज आए हैं और पहले यानी कि कहाँ पे आप ज्वाइन थे? जैसे बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों ने यहाँ दामन आजाद मोहम्मद के साथ, ऐसा क्या कारण है जो आप ऑटोमेटिक जेजेपी के साथ आज जा रहे? गंदी राजनीति की थी इसने मुंडल ने। किस तरीके की राजनीति की थी? बहुत केस लगाए हैं, सबसे ज्यादा केस लगाए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा गांव बहुत परेशान हो गया, ट्रैक्टर सारे बंद करा दिए, चौकी पकड़वा दिए, 10,000-20,000 कहाँ तक दिए, ट्रैक्टर वाले बंद कर दिए, सारा धंधा खत्म कर दिए। कुल मिलाकर भाजपा के वरिष्ठ नेता आलम उर्फ मुंडल के प्रेतक गांव से लाइव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, उन्हीं के गांव के लोगों की जुबानी आपको सुना रहे हैं। राणा इसी कूटनीतियों से तंग आकर जो है चांदड़ा का सैकड़ों ग्रामीणों ने जो है जजपा का दामन थामा है। पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आज़ाद मोहम्मद हमारे साथ हैं, ये बताएंगे जनसंपर्क अभियान में आज भाजपा नेता आलम उर्फ मुंडल के पर्यटक गांव चांदड़ा का में हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन इन्होंने की है, दामन थामा है जेजेपी का, क्या कहेंगे? हम जो आज यहाँ पर आए हैं, जो 22 तारीख की जो बड़कली पर रैली हुई थी, बड़ी संख्या में इस गांव से लोग रैली में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था,
हमें इनका धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो जेजेपी की जो अपने दुष्यंत चौटाला जी की जो नीतियाँ हैं, खास तौर से युवा वर्ग में, महिलाओं में और सभी उसमें किसान वर्ग में उसकी नीति और मेवात में जितना तेज़ी से जो ग्राफ जेजेपी का बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से तो ये रिकॉर्ड बनेगा। मेवात की जो तीनों सीटें हैं जेजेपी खाते में ही सीटें जाएंगी। इस बिजली के मामले में तो यहाँ सारा सिस्टम सही है, बाकी जो पानी की जो समस्याएं हैं, अभी जो पीने के पानी की बात आई थी, अब दुष्यंत चौटाला जी उसमें अनाउंसमेंट करे गए 175 करोड़ रुपये की उससे एक स्कीम रेनवल योजना उसमें चल रही है, उससे जल्दी जब लागू हो जाएगी तो पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ये सही है भाई, सिंचाई के मामले में यहाँ बड़ी दिक्कत है। अब खास तौर से उस उमरा वगैरह साइड में या ढाण बबलेड़ी साइड में चराडा का भी पानी की बड़ी दिक्कत है, तो दुष्यंत चौटाला जी ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि भाई बहुत जल्दी ये जो पानी की जो समस्या सिंचाई की इसको भी हम जल्दी हल करेंगे। इस चीज़ का सर्वे यहाँ पर हो रहा है। कुल मिलाकर ये पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद है, जेजेपी के वरिष्ठ नेता, मैं मेवात से कहूँगा कि जिन्होंने मेवात की राजधानी बड़कली चौक पर भारी जनसैलाब उमड़ा था, जो रैली की थी, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी वहाँ पर आए थे और काफ़ी संख्या में जो लोग चौधरी आज़ाद मोहम्मद के साथ जुड़कर वहाँ पर जो है पहुँचे थे, इनका मनोबल बढ़ाया था, उन्हीं लोगों को धन्यवाद करने के लिए जो है गाँव गाँव जाकर ये अभियान लगातार पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आज़ाद मोहम्मद द्वारा चलाए जा रहे हैं।